बड़े बड़े कम टाइम में जीत जान बन गई। ट्रीटमेंट तो ये लग रही है बहुत हैवी हैवी था आज का सीक्वेंस, आज का शूट बहुत है। लेकिन अभी तो हैवी जाना है हमारे पे आज। हाँ जी वो क्या गड्डी आएगी, अच्छा हुआ सब का। जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपनी नई आने वाली फिल्म दौड़ के सेट पे। मेरे साथ असलम साहब बैठे हुए हैं, ये प्रोड्यूसर हैं हमारी इस फिल्म के, और ये वसीम साहब हैं। वसीम साहब जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक्टर होने के साथ साथ ये एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं, लाइन प्रोड्यूसर भी हैं हमारे, और काफ़ी चीज़ें देख रहे हैं ये। नदीम चीमा साहब इस वक्त शॉट बनाने में मसरूफ़ हैं, वो डायरेक्टर हैं हमारे। अगर आगे जाके आप दिखाएँ नदीम भाई को, दिखा के वापस आ जाए। जी आपने देखा होगा कि हमारे डायरेक्टर नदीम चीमा साहब इस वक्त कवर के अंदर उतरे हैं। कवर के अंदर? हाँ जी, क्योंकि ये एक कवर बनाई हुई है जिसके अंदर हमारी फिल्म की हीरोइन जो है उनको दफनाया जाएगा, जो जिंदा होंगी, और फिर देखिएगा स्क्रीन पे देखिएगा कि फिर उनके साथ कैसे होता है, क्या होता है और कैसे दबाते हैं। बहुत मुश्किल काम है, ओरिजिनल लोकेशन पे आए हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन से कि प्लीज़ ज़रा लोकेशन दिखा दें। वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन जो बता दी है पूरी, ज़रा वाइड एंगल में करके दिखाएं। जी तो आप लोगों ने देखा ये हम ओरिजिनल लोकेशन पे हैं इस वक्त, लाहौर से तकरीबन कुछ 4 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और बहुत सारे गांव हमने क्रॉस किए। आज का दिन जो है वो हमने गांव से शुरू किया, और बेतहाशा गांव, और फाइनली हम इस लोकेशन पे पहुँचे। कामरान रफीक साहब इस फिल्म को लिख रहे हैं, और ये फिल्म जो है इंशाल्लाह दिसंबर में आप सिनेमा स्क्रीन पर देखेंगे। पाकिस्तान फिल्म को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा, पाकिस्तान फिल्म को ज़रूर प्रमोट कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म जो है वो हमारी अपनी फिल्म है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप हमसाया मुल्क की फिल्म ना देखें या आप हॉलीवुड की फिल्म ना देखें, लेकिन आप पाकिस्तानी फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए फिल्म बनाते हैं। अच्छी है बुरी है वो देखने के बाद डिसाइड कीजिएगा। घर से निकलिएगा, सिनेमा जाइएगा, अपने दोस्तों को लीजिएगा, अपनी फैमिलीज़ को लीजिएगा। ये आज के दिन में जितनी मूवीज़ बन रही हैं वो सारी फैमिलीज़ के लिए बन रही हैं, तो आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे फिल्म्स बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। असलम साहब जो है इनका प्लान तो है कंटिन्यू फिल्म्स बनाने का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी आप लोगों की सपोर्ट है। हम लोग तो मेहनत करते हैं। आज देखें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी शाम का वक्त है, सूरज ज़रा हल्का सा ढला है तो मौसम कुछ ठीक हो गया। बहुत गर्मी थी, तकरीबन कोई 45-48 टेम्परेचर चल रहा था, और हम इस टेम्परेचर में काम कर रहे थे, और हैवी कॉस्ट्यूम के साथ, और हमारे साथ बहुत सारे हमारे जूनियर एक्टर्स भी हैं जो धूप के अंदर बारिश में गर्मी में काम करते हैं। तो अगर आप लोग सिनेमा नहीं आएंगे तो फिर हम लोगों को मजबूरन ये काम बंद करना पड़ेगा। कोविड से हम लोग निकले हैं, कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रुक गई थी। आज के दिन में अल्लाह का शुक्र है कोविड बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ पाकिस्तानी फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होगी। वैसे मुझे परमिशन नहीं है इस कॉस्ट्यूम में, इस वक्त फिल्म के कॉस्ट्यूम में हूँ और फिल्म के सेट पे हूँ, इस कॉस्ट्यूम में मुझे परमिशन नहीं है प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर की तरफ से कि मैं कोई वीडियो बना के अपलोड करूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए मैं ये काम करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी फिल्म कितनी मुश्किल से बनती है और कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं इस फिल्म के अंदर। हमारा क्रू, हमारे जूनियर एक्टर्स हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे एसोसिएट, हमारे कैमरामैन, फिर कैमरामैन क्रू, क्रेन ऑपरेटर, इतने इतने हैवी इक्विपमेंट होते हैं जो बेचारे इस गर्मी के अंदर इन पहाड़ों के ऊपर लेकर आते हैं।
तो मुझे उम्मीद है बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं। जी जी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बस ठीक है। फिल्म के हवाले से, फिल्म के हवाले से यही है कि देखिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। आज सारा दिन इतनी गर्मी में हमने काम किया, तो होपफुली आप इंजॉय करेंगे इस फिल्म को। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी लोग, वो चाहे एक हो, चाहे एक हज़ार हो, एक एक लाख हो, जितने भी लोग मेरी बात सुनेंगे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।